जो पतन होगा तुम्हारे الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما आज के इस वाहिनी रवायती प्रोग्राम में जमियते अहमदी बरहेट बलोच की जानिब से जो मौजू और विषय मुझे दिया गया है वो मौजू और विषय है वतन बुजुर्गों दोस्तों इस्लामी भाइयों नौजवान साथियों अजीज बच्चे अजीब मान भाई के यहां आज के इस जलसे में खासतौर से मैं अमरनाथ से आम पब्लिक से मुखातब हूं। हमारे ये अन्नाई के आम बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों से मुखातब नहीं हूं, क्योंकि जो बातें मैं बयान करने जा रहा हूं वो हमसे ज्यादा इन अन्नाई के आम को मालूम है। पहले लोगों से पहले कुछ जरूरी बातें ये हो जाए। इतना बड़ा भगमारी गांव है, इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है लेकिन यहां की जनसंख्या बहुत कम है। बहुत सारे लोग अभी खारिज नहीं हुए हैं जबकि ये ऐलान किया जा चुका है कि ये पूरी रात का प्रोग्राम और जलसे नहीं है। जैसा कि कहमा के अंदर मदरसे का जलसा होता है, बरहट के अंदर मदरसे का जलसा होता है, ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पिंगार के अंदर लोगों की जनसंख्या कम है, यानी कम तादाद में लोग पहुंचे हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हम लोग जो बातें बयान करेंगे खुद बयान करेंगे, खुद समझेंगे, ऐसा करने के लिए नहीं आए बल्कि आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए आए। और जो भी उलमाए किराम बयान करेंगे ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बक रहे हैं और बयान कर रहे हैं, नहीं, बड़ी तैयारी के साथ आए हुए हैं। तकरीबन एक हफ्ता पहले, उससे ज्यादा दिन पहले जो है मौजू और विषय दिया गया है उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को शायद आइडिया और अंदाजा नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, चाहे मेरी तकरीर हो या जो और हमारे अभिनय के नाम आएंगे, केयरफुली गौर से ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा ताकि इस बहाने में कुछ कुरान की
दलील जो है कुरान की आयत जो है दलील के तौर पर पेश किया जाएगा, सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, वो आपको मालूम हो जाएगा। और इसी बैठक में इंशाअल्लाह रबी उस ताल्लुक से दलील भी आपको याद मिलेगा। तो तौहीद हमारा मोटो है। तौहीद का माना और मतलब और फॉर्मिली ये होता है, लुगत के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, शब्दकोश के अंदर देखेंगे, एक मानना, एक समझना, एक जानना। और इसी पर पूरा इस्लाम का दौर लगा है। इस ताल्लुक से तौहीद की तीन किस्में हो जाती है। जो हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, ये इबादत के अंदर आते हैं। तो क्या इन चीजों को हम दूसरे लोगों के लिए कर सकते हैं? जवाब और उसका आंसर में उत्तर यह होगा कि नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तौहीद छुपा हुआ है। तौहीद उलूहियत एक अल्लाह के लिए इबादत होनी चाहिए, एक अल्लाह के लिए रोजा रखना चाहिए, एक अल्लाह के लिए हज करना चाहिए, और उसी अल्लाह से हमें और आपको दुआएं मांगनी चाहिए, इल्तिजा करनी चाहिए। ये तौहीद के ताल्लुक से बातें हैं। पुराने करीम 30 पारे का कुरान है। बहुत सारे मुसलमानों को मालूम भी नहीं है कि कितने पारे का कुरान है, इसीलिए मैंने कहा कि गौर से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि खुदाई जमा के अंदर रस्मी तौर पर लोग जाते हैं मेरे से देर करके, और फिर वहां जाकर के सोने लगते हैं, उसको मालूम भी नहीं होता है कि खतीब का खुतबा खत्म होता है। तौहीद जैसा कि हम लोगों को मालूम हुआ अभी अभी, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने पुराने करीम के अंदर जो 30 पारे का कुरान है, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं, इन 6666 आयतों में से किसी आयत के अंदर तौहीद का सबूत और उसकी दलील अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया है या नहीं, या यही हम तौहीद तौहीद कर रहे हैं? इस ताल्लुक से मैं कुरान करीम की चंद आयात आप हजरात के सामने पेश करूंगा, और हम लोग तौहीद के ताल्लुक से इसको दलील के तौर पर याद करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमसे कोई आदमी सवाल में जवाब करेगा कि आप तौहीद के बारे में आपको मालूम है तौहीद क्या चीज है? अच्छा चीज है, आपने तौहीद की प्रशंसा कर दिया है, इसकी तारीफ आपने कर दिया है, आपको सबूत मालूम है, इसकी दलील मालूम है? क्योंकि इस्लाम के अंदर कोई भी बात जो है ना कलमा इल्ला बिदलील, कोई भी बात बगैर सबूत के, बगैर दलील के, बगैर प्रूफ के नहीं मानी जाती है। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला है, और इबादत रियाजत के अंदर वो ये चाहता है कि मेरी ही सिर्फ इबादत होनी चाहिए,
क्या पुराने करीम के इमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी दलील पेश किया है। इस ताल्लुक से सूरह आले इमरान की मैंने बयान किया, ये पुराने करीम के अंदर 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरह का नाम है सूरह आले इमरान। इसकी 18 नंबर आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, शहद अल्लाह हो अन्नाला वन मलाई का तो बिल्किस। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 18 के अंदर इरशाद फरमाया है, शहद अल्लाह 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 ने इस आयत के अंदर ये प्रूफ किया है, ये दलील दिया है कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, जिसकी इबादत होनी चाहिए, जिसके लिए नमाज पढ़नी चाहिए, वो जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बात है। इसी को तौहीदे उलूहियत बोलते हैं। तौहीद को तीन खंड के अंदर भागा गया है, तीन हिस्सों में भागा गया है, उनमें से पहला हिस्सा क्या है, तौहीदे उलूहियत यानी इबादत किसके लिए होनी चाहिए, अल्लाह के लिए होनी चाहिए। वल मलाइकातु कायमुन बिलक़िस्त, अल्लाह ने गवाही दिया कि अल्लाह एक है, अल्लाह खुद अपने बारे में गवाही दे रहा है कि मेरे बंदे मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। वल मलाइकातु और फरिश्ते भी गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह एक ही है। वहूल इल्म और जो जी इल्म है, जो हमारे ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इसी को उलूल इल्म कहा गया है, इल्म वाले। और अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर के मुताबिक, अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर के अंदर लिखा है कि उलूल इल्म इस आयत के अंदर जो कहा गया, इससे मुराद कुरान और सही अहदीस के जानने वाले लोग हैं। दुनिया के अंदर जो स्कूल और कॉलेज के अंदर जो मैथमेटिक्स साइंस हिंदी इंग्लिश ये सब पढ़ाया जाता है, उसके शिक्षित और उसके एजुकेटेड और जानने वाले लोग मुराद नहीं है। जानने वाले लोग से मुराद यहां कुरान और सही हदीस की बात जानने वाले लोग, कायमन बिल्किस्त जो अपने इंसाफ को कायम करने वाले हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, फिर अल्लाह ने आगे कहा कि अल्लाह के अलावा यानी मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है जिसकी तुम इबादत करोगे। इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर एक नुक्ता बयान किया है, पॉइंट कि मैंने दलील के साथ कहा है मेरे बंदे, अरे दुनिया वालों, मैंने दलील के साथ कहा है कि मैं अपने ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बावजूद भी तुम जबरदस्ती करोगे, किसी को शरीक करोगे, अल अज़ीज़ उसके लिए मैं जबरदस्त हूं, ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं कमजोर हूं, उसको मैं सजा नहीं दे सकता। अगर मेरे अंदर से वो और मेरी इबादत अगर वो नहीं करेगा तो मेरी पकड़ से वो बाहर नहीं जा सकता है, मैं हाजिर हूं उसके लिए, जबरदस्त पता और एग्जिस्ट करने वाला। चोरी करने वाला आदमी चोरी कर देता है, डकैती कर देता है, पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, किस तरीके से सरगर्दिश करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मैं उस बंदे की गिरफ्त और पकड़ करने वाला हूं जो मेरी इबादत नहीं करेगा,
और उल्टा जो है मेरी अपनी दुआएं मेरी इबादत में किसी को शरीक करे। तो इस आयत से तौहीद की बात साबित होती है। अल्लाह ने करीम के तौर पर अपने कुरान हकीम के अंदर अपने नबी के जरिए से तौहीद की दलील पेश किया। और दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह कहा है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ मेरी होनी चाहिए। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी भी दलील पेश किया है? सूरह आले इमरान की आयत से यह सबूत मिल गया कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल बकरा इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया है وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ। اے میرے بندے ہیں تمہارا اللہ ایک ہی ہے۔ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور اے میرے بندے अल्लाह के अलावा मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है। रब रहमान रहीम। और उस अल्लाह की सिफत यह है कि वो रहमान है और रहीम है। बहुत ज्यादा रहम करने वाला निहायत रहीम रहम करने वाला। एक बच्चा जब कोई गलती करता है और गलती करने के बाद भी उसके वालिदैन खास तौर से और वालिदैन में से उसकी मां, क्योंकि बाप के मुकाबले में वालिद के मुकाबले में वालिदा और मां का ममता ज्यादा होता है, रहम करने वाली वो ज्यादा होती है, उससे कहीं ज्यादा में आता है कि उससे कहीं ज्यादा इंसान के मनुष्य के तसव्वुर से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला रहम करूंगा। तो मेरे दोस्त और बुजुर्ग मेरे नौजवान साथियों, हमें कुरान को पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बारीक बारीक नुक्ता को बयान किया है कुरान की तिलावत के साथ साथ हमें कुरान की आयत का जो तर्जमा है उसका जो माना है मतलब है उसको भी समझने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां हमने कहीं और से लाया है इसको लिख करके, कहीं और से हम बयान कर रहे नहीं। कुरान को जिस भाषा में समझते हैं, अरबी को अरबी समझते हैं, अरबी को अरबी में समझते हैं, या अरबी को उर्दू में समझते हैं, या अरबी में जो कुरान है उसको हम हिंदी भाषा में समझते हैं, बहुत सारे पुराने लोग हैं उसको बंगला समझ में आता है, तब हर भाषा में कुरान को पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गो, मेरा नौजवान साथियों, खासतौर से कुरान को समझने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किन किन चीजों के बारे में क्या क्या दलील पेश किया है। तो ये दो आयतें जो आप हजरात के सामने तिलावत की गई है और बयान किया गया है, उनमें से दूसरी आयत के अंदर रहमान रहीम, ये इसके बारे में मुझे बताना है कि रहमान और रहीम, मैंने बताया कि तौहीद को तीन खंड के अंदर बता दिया है, तीन हिस्सों में। पहले हिस्से के बारे में हम लोगों को जानकारी हो गई कि तौहीद उलूहियत, और दूसरा क्या है,
तौहीद रुबूबियत और तीसरा क्या है तौहीद अस्मा व सिफात। और रहमान और रहीम जो है यही अस्मा व सिफात के अंदर हमारे मुतअल्लिक की सिफत है। आदमी एक आदमी होता है, हम लोग कहते हैं गांव ग्राम के अंदर कि वो खराब है, वो अच्छा है, वैसा है, वैसा है। तो एक आदमी का वजूद है, एक आदमी मौजूद है और उसके बारे में जो हम लोग बात करते हैं कि वो अच्छा है, वो खराब है, वो बढ़िया है, वो खराब है, तो यही अच्छा और बुरा जो है उसकी सिफत है। हम लोग गांव ग्राम के अंदर ये भी बोलते हैं कि फला आदमी जो है बहुत अहम करने वाला है, ये एक सिफत है, एक गुण है। अल्लाह तबारक व तआला की भी ये सिफत है। मैंने बताया कि हम लोग दुनिया के अंदर जो भी कुछ कर रहे हैं क्या अल्लाह भी वैसे ही करेगा? हम लोग जिस तरीके से अपने बच्चों के ऊपर वहन करते हैं क्या अल्लाह तबारक व तआला भी वैसे ही राम करेगा? जवाब उसका सीधा सीधा था, नहीं सका मिस नहीं शर्म। अल्लाह हमारे सोच और विचार, हमारे वहमो गुमान हम सोच भी नहीं सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला है, रहमान और रहीम। तो मेरे दोस्त और बुजुर्ग हो, मेरे नौजवान साथी हो, हम लोगों को मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है और यही तौहीद ये खंड में से एक खंड क्या है, तौहीद आसमा व सिफात। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तौहीद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और इस तौहीद के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, इस दावत को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी नबी और रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर भेजा है, सारे नबियों और रसूलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म और आदेश दिया था, ऑर्डर किया था कि तुम दुनिया में जाकर के सबसे पहले अगर किसी चीज की दावत देना, वो दावत क्या होगी तुम्हारी, तुम्हारी प्रथम दावत क्या होगी, वो तौहीद के बारे में। नाम से 25 नबी का नाम पुराने करीम के अंदर मौजूद है। आइए देखते हैं कुरान की आयत के हवाले से और उसकी रोशनी से ये किन किन नबियों ने सबसे पहले किस चीज के बारे में उन्होंने दावत दिया है और लोगों को बुलाया है, अपनी तरफ जो है उसको आमंत्रित किया है। इसके ताल्लुक से प्रोग्राम देनी हो रहा है और मेरा जहन इधर जा रहा था तो मैं यही सोच रहा था, दिल में दुआ भी कर रहा था कि बहुत समझदार लोग हैं, मास्टर में मजबूर होकर के वहां समझाने के लिए जाना था। अफसोस है हमारा व्यवहार इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हम दीदी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। दीदी प्रोग्राम के आधार होते हैं, मजलिस में कैसे बैठा जाता है, कुरान हदीस की बातें हो रही है, क्या हम अपनी बात को ऊंचा कर सकते हैं,
आपको मालूम है कुरान करीम की ही आयत है कि नबी को भी जो है अल्लाह की बात के ऊपर जो है अपनी आवाज को ऊंचा करने के लिए कहा गया। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे नौजवान साथी, तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है समाज को और समाज के सुधार के लिए, तुम्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। हम भी नौजवान है, आप भी नौजवान है, हमारे जितने भी उलमाए किराम है कोई बुजुर्ग नहीं है, तकरीबन सभी आए हमेश है। तो अपनी अकलमंदी का मुजाहरा करें, दिल प्रोग्राम रहा है तो मैं ये बता रहा था कि तौहीद के मिशन को जितने भी नबियों को रसूलों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भेजा है कि उनकी पहली जो है उसकी पहली दावत जो है तौहीद के बारे में। और हर नबी ने हजरते सारे मिसाल के तौर पर हजरते सारे इस्लाम इस्लाम में, हजरते हूर अलैहिस्सलाम इस्लाम में, हजरते ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम में, यहां तक के हमारे और आखिरी नबी, बहुत सारे हमारे नौजवान साथियों को ये भी मालूम नहीं है कि हमारे आखिरी नबी कौन है। बहुत सारी चीजों के बारे में हमारी नौजवान बहनों को, माओ को, बेटियों को, बच्चों को, बच्चियों को, हमारे बाप दादा को, हमारे नौजवान साथियों को मालूम है। लेकिन इसी मजलिस के अंदर पूछा जाए कि हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है तो मालूम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी उलमाए किराम है, एक से एक उलमाए किराम है, नाज़िम ने जलसा ने बयान भी कर दिया है कि एक से एक उलमाए किराम है हमारे इलाके के अंदर। बस जरूरत है उनकी तकरीरों को, वो जो बात कर रहे हैं दलील की रोशनी में उनको समझने की। तो मेरे दोस्त और बुजुर्ग, हत्ता कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। अल्लाह की इबादत एक अल्लाह की होनी चाहिए और किसी को उसके साथ शरीक मत करो। ये एक अलग मौजू है, ये अलग टॉपिक है। और तौहीद जो मुझे आज के इस जलसे के अंदर मौजू मिला था, विषय मिला था, तो ये तौहीद और कलमाए शहादत के अंदर भी, कलमाए तैयबा के अंदर भी कहा गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक पार्ट के अंदर कहा गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो खुलासा कलाम यह है कि आज की तकरीर के अंदर मैंने बहुत सारी बातें आप हजरात के सामने बयान किया है। तकरीर का शॉर्टकट और खुलासा कलाम यह है, संक्षेप यही है कि हम लोगों को इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दुआ, इल्तिजा, ये सब एक अल्लाह के लिए होनी चाहिए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जो बदन होगा तुम्हारे, जो बदन होगा तुम्हारे, क्या नहीं रब के दर से मिलेगा। जो मुकद्दर होगा तुम्हारे, क्या नहीं रब के दर से मिलेगा।